हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्रिटिकल केयर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ईएनएम चैप्टर में, उनको इजीली सॉल्व करोगे। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली और बहुत ही जल्दी वो वाले क्वेश्चन जो रहेंगे क्रिटिकल केयर सर्विसेज से रिलेटेड, उनको सॉल्व कर पाओगे। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। आगे वीडियो मैंने यहाँ पे आपको फिर एग्जांपल समझाया है कि कैसे आप ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे और कैसे आप करेक्ट आंसर तक पहुँचोगे। तो गाइस, आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आप इजीली ये वाले क्वेश्चन पेपर में कर पाओगे। और गाइस, ये जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं क्रिटिकल केयर सर्विसेज के। जैसे कि मैंने एग्जाम दिया उसमें मेरे को 2-3 क्वेश्चन मिले थे, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या है, क्रिटिकल केयर सर्विसेज में हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि कौन से टाइप की सर्विस है। बेसिकली जो क्रिटिकल केयर सर्विस होती है वो 2 टाइप की होती है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट। ठीक है, आउट पेशेंट में क्या होता है, क्रिटिकल केयर सर्विस में हमको हमेशा कोड करना होता है 99291 एंड 99292। ठीक है, ये बेस्ड होता है टाइम पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी हैव टू कोड लाइक 99291 एंड 99292। दूसरा क्रिटिकल केयर सर्विस होती है वो डिपेंड होती है किस पे, इन पेशेंट पे। ठीक है, इन पेशेंट मतलब एडमिशन टू हॉस्पिटल और NICU। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कोड करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा एज पे। ठीक है, उसमें हमारी जो कोड रेंज है वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ एज। लाइक कोड होते हैं उसमें 99468 से लेके 99475। इसमें क्या है, ये डिपेंड करते हैं एज पे, मतलब 28 से 5 ईयर तक। ठीक है गाइस, और अगर एज 5 साल से ज़्यादा है, मतलब इफ पेशेंट की एज जो है 5 साल से ज़्यादा रहेगी, तो एट द टाइम वी हैव टू कोड लाइक 99291 एंड 99292। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइम। इन पेशेंट में मैंने क्या बताया आपको, 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि अगर एज 5 साल से कम है तो हम कोड करेंगे 99468 से लेके 99475 तक, वो डिपेंड करेगा एज पे, और डिफरेंट कोड का डिफरेंट एज है, तो आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने इसमें क्या बताई, अगर एज 5 साल से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे कोड क्या करेंगे, 99291 एंड 99292 बेस्ड ऑन द टाइम। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज होती हैं उनमें क्या होता है, कुछ सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं, मतलब कि क्रिटिकल केयर सर्विसेज के टाइम पे कुछ सर्विसेज मतलब ऑलरेडी करनी होती हैं जो कि बंडल होती हैं। ठीक है, अगर क्रिटिकल केयर सर्विसेज से पहले हम वो सर्विसेज करते हैं तो हम उनको सेपरेटली कोड कर सकते हैं, बट क्रिटिकल केयर सर्विसेज के दौरान हम उनको कोड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बंडल होती हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ऑलरेडी क्रिटिकल केयर सर्विस में बंडल होती है, मतलब ड्यूरिंग हम क्रिटिकल केयर सर्विस उनको करते हैं तो हम उनको सेपरेटली कोड नहीं करते, वो ऑलरेडी बंडल होती हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान से देखनी है। आपको बेसिकली ये देखना है सबसे पहले कि पेशेंट आउट पेशेंट है या इन पेशेंट है। अगर आउट पेशेंट है तो वी हैव टू कोड लाइक 99291 एंड 99292 बेस्ड ऑन द टाइम। बुक में आपको एक पूरा वो दे रखा है टाइम के अकॉर्डिंग कि क्या टाइम रहेगा, तो 99291 एंड 99292 कब आप कितने टाइम के लिए कोड करोगे वो आपको बुक में अवेलेबल है। ठीक है गाइस, पहले आपको ये चेक करना है कि क्रिटिकल केयर सर्विस है वो आउट पेशेंट है या इन पेशेंट। आउट पेशेंट मतलब ईआर और ईडी में हो रही है, या फिर वो हॉस्पिटल मतलब एडमिशन हो रहा है उसका हॉस्पिटल में। अगर हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है तो वो इन पेशेंट हो जाएगी, अगर वो ईआर और ईडी में हो रही है तो वो आउट पेशेंट है। आउट पेशेंट में हमने कोड करना है 99291 एंड 99292 बेस्ड ऑन द टाइम, और जो अपना इन पेशेंट है तो वहाँ पे अपन को कोड करना है 99468 से लेकर 99475 तक बेस्ड ऑन द एज। ठीक है, अगर वहाँ पे एज मोर देन 5 ईयर है तो वी हैव टू कोड लाइक 99291 एंड 99292 बेस्ड ऑन द टाइम। ठीक है, आगे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप इजीली जान जाओगे कि क्या चीज़ आपको देखनी है जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और राइट आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो। चलिए पीडीएफ में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें कंसीडर करनी चाहिए क्रिटिकल केयर जो क्वेश्चंस होते हैं एएनएम में उनको सॉल्व करते टाइम। ठीक है गाइस, देखो गाइस यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, बेसिकली यू हैव टू लुक आफ्टर व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिकल सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड इन। ठीक है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आउट पेशेंट की जा रही है या इन पेशेंट की जा रही है, ये मैंने आपको बताया। अगर आउट पेशेंट है तो वो हमारी ईआर और ईडी में होगी, अगर इन पेशेंट है तो वो हमारी कहाँ पे होगा, एडमिशन टू हॉस्पिटल होगा या फिर NICU होगा। ठीक है, आउट पेशेंट सर्विस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो हमारी कहाँ पे होती है, ईआर और ईडी में होती है। अभी भी आउट पेशेंट में क्रिटिकल केयर सर्विस प्रोवाइड होगी तो उस टाइम पे अपन लोग क्या कोड करेंगे, 99291 एंड 99292 बेस्ड ऑन द टाइम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर इन पेशेंट है तो अपने को क्या कोड करना है, अपने को कोड करना है 99468 से लेकर 99475, ये बेस्ड होता है एज पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज इज लेस देन 5 ईयर देन यू हैव टू कोड 99468 से लेके 99475। ठीक है, अगर पेशेंट इन पेशेंट है और उसका एज 5 साल से ज्यादा, देन यू हैव टू कोड लाइक 99291 एंड 99292 बेस्ड ऑन द टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आप काफी क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करोगे। ठीक है गाइस, प्लस में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल केयर सर्विसेज में कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, मतलब ड्यूरिंग क्रिटिकल केयर सर्विस हम उनको कोड नहीं करते सेपरेटली क्योंकि वो ऑलरेडी बंडल होती हैं उन्हीं सर्विसेज में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। और इसमें एक और की पॉइंट है वो ये है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर करने के लिए, बट रिमेंबर दीज सर्विसेज डन बिफोर एंड आफ्टर क्रिटिकल केयर।
कैन बी कोडेड सेपरेटली, मतलब क्रिटिकल केयर सर्विसेज से अगर ये सर्विसेज पहले की जा रही हैं या बाद में करी जा रही हैं तो उस टाइम पे हम इन सर्विसेज को सेपरेटली कोड कर सकते हैं। ड्यूरिंग क्रिटिकल केयर टाइम हम उनको सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी बंडल होती हैं। ठीक है, ये पिक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज बंडल इन क्रिटिकल केयर फॉर आउट पेशेंट, मतलब ईआरईडी में कौन कौन सी सर्विसेज जो होती हैं वो क्रिटिकल केयर सर्विसेज में बंडल होती हैं। उसमें हमारा एक्सरे बंडल होता है, ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री, तो ये सब क्या होता है, इनको हम सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, ऑलरेडी बंडल होते हैं क्रिटिकल केयर सर्विसेज के टाइम पे। मतलब ड्यूरिंग क्रिटिकल केयर ये वाली सर्विसेज भी की जा रही होंगी ना, तो उनको हम सेपरेटली कोड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी बंडल होती हैं उसमें। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे इन पेशेंट के लिए दे रखा है कि कौन कौन सी सर्विसेज बंडल होती हैं क्रिटिकल केयर में फॉर इन पेशेंट। देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है वेसल कैथराइजेशन, अदर आर्टियल कैथर, ये सब, ये भी क्या है, ये भी बंडल होती है, इनको हम सेपरेटली कोड नहीं करते। अगर कोई पेशेंट इन पेशेंट है उस टाइम पे ये सर्विसेज दी जा रही हैं ड्यूरिंग क्रिटिकल केयर, तो इनको सेपरेटली कोड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी बंडल होती है। ठीक है, अगर पहले की जाए या बाद में की जाए देन वी कैन सेपरेटली कोड देम। ठीक है, अगली चीज़ है वो ये है कि हम कुछ क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि कैसे आप जल्द से जल्द क्वेश्चन करोगे और कैसे आप जल्द से जल्द आंसर फाइंड करोगे क्रिटिकल केयर सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन ईएनएम में। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है, अ 5 ईयर ओल्ड बॉय वॉज ब्रॉट टू द ईआर बाई सोशल वर्कर हु डिस्कवर्ड हिम अलोन इन स्पाज्म एंड सीजर। द सोशल वर्कर रेड दैट द चाइल्ड ओल्डर सिस्टर टोल्ड हर दैट बॉय वॉज बिटन ऑन द हेड बाई द रैकन ही प्लेड विद 11 डेज अगो। नो ट्रीटमेंट वॉज थॉट फॉर द इंजरी एट द टाइम बट द एरिया वॉज इन्फ्लेम्ड एंड हॉट। अकॉर्डिंग टू द सोशल वर्कर द मदर इज ड्रग एडिक्टेड एंड ऑफ्टन लीव द चिल्ड्रन अनअटेंडेड इलनेस एक्चुअली बिगिन 2 डेज अगो विद द हेडेक एंड रेस्टलेसनेस एंड इन्फ्लेमेशन एट द बोन साइड। द चाइल्ड एक्सपायर्ड ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर बिफोर एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट कुड बी एडमिनिस्टर्ड। CPR वॉज परफॉर्म बट वॉज नॉट सक्सेसफुल। द फिजिशियन डायग्नोसिस लिस्टेड एज अ रेबेडो वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड रैकन बाइट नॉट ट्रीटेड ड्यू टू चाइल्ड नेग्लेक्ट। क्रिटिकल केयर सर्विस प्रोवाइड फॉर 60 मिनट। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्रिटिकल केयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, क्रिटिकल केयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कितनी देर के लिए, 60 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब आउट पेशेंट हो गई, ER में है, आउट पेशेंट है, तो अपने पास क्या है 99291 वाला, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी आउट पेशेंट होगा तो हम वहाँ पे क्या कोड करना है 99291। तो हम पहले इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में है 99291, ठीक है, वो हमारा रहेगा, ठीक है, दूसरा भी हमारा हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, वो रॉन्ग होगा, चौथा भी हमारा रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए आउट पेशेंट में मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा 99291 के साथ में ही सबसे पहले आपको कोड करना पड़ेगा, ये बेस्ड होता है ऑन द बेस्ड ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम 60 मिनट है, तो इसका आंसर आपका देखिएगा, इसका आंसर होगा ए। अगर आप ऑप्शन बी को सेलेक्ट करोगे तो देखिए जो टाइम है ना 99291 और 9929 का, वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, और जो 92950 है वो अपना किसके लिए है, CPR के लिए, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है नेटोलॉजिस्ट एडमिटिंग अ 20-day ओल्ड इन्फेंट टू NICU फॉर साइनसिस एंड रैपिड ब्रीथिंग। ही परफॉर्म इंट्यूबेशन वेंटिलेशन मैनेजमेंट एंड अ कंप्लीट इकोकार्डियोग्राम इन द NICU एंड प्रोवाइडेड अ रिपोर्ट फॉर इकोकार्डियोग्राफी विच डिड इंडिकेट कंजेनिटल हर्ट डिसीज। सेलेक्ट द कोड फॉर द फिजिशियन सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, NICU में एडमिट हो रहा है, NICU में एडमिट हो रहा है मतलब इन पेशेंट हो रहा है, इन पेशेंट में अपने ने क्या कोड करना था, 99468 से लेके 99475 तक बेस्ड ऑन द एज। ठीक है, यहाँ पे एज कितना है, 20 डे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि अगर आप एज चेक करोगे, एज के अकॉर्डिंग हमारा कोड होगा 99468, आप देख लीजिएगा। देखिए डी ऑप्शन तो हम नहीं करेंगे, वो एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, 468 से शुरू करते हैं जब भी हमारा इन पेशेंट होता है और क्रिटिकल केयर सर्विस होती है, तो 468 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने सी एलिमिनेट कर दिया, डी एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास कौन सा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर आप यहाँ पे एज देखोगे एज पर द एज, अवर आंसर वुड बी ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एक क्वेश्चन है इसमें। देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सिंपल चीज़ है, मैंने आपको क्या बताया था, आउट पेशेंट है ये भी, ठीक है, आउट पेशेंट के लिए सबसे पहले कोड क्या करोगे, 99291। ठीक है, आपने ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दिया, वो कैसे, ये वाले जो है वो इन पेशेंट के लिए, आप बी और डी को तो एलिमिनेट कर सकते हो, अपने पास रह गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वो क्यों होगा, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे ईआर में पहुंचा नहीं है पेशेंट, ईआर में पहुंचता तो उस टाइम पे क्रिटिकल केयर सर्विस देते, तो उनको हम सेपरेटली कोड नहीं करते, बट क्या है, ईआर के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, व्हाइल वेटिंग इन द ईआर फॉर द एयर एम्बुलेंस, और इस टाइम के दौरान ही ये जो सर्विस है वो दी गई है। तो मैंने क्या बताया था आपको, ड्यूरिंग क्रिटिकल केयर सर्विस
हम इनको कोड नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या है इनको सेपरेटली कोड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्रिटिकल केयर सर्विसेज से पहले हो रही है, ठीक है, मतलब उसका वो ईआर में पहुंचा नहीं है, ईआर में पहुंचता वहां पे दी जाती तो उनको हम सेपरेटली कोड नहीं करते, बट वो वेट कर रहा है और उसी टाइम पे हम दे रहे हैं तो इसको हम सेपरेटली कोड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 29, ठीक है, उसमें देख लेते हैं। अ 20 मंथ ओल्ड चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद निमोनिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, द पेशेंट स्पेंड 3 मिनट इंट्यूबेटिंग द चाइल्ड एंड स्पेंड 90 मिनट्स ऑफ क्रिटिकल केयर टाइम स्टेबलाइजिंग द पेशेंट, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, एडमिशन हो रहा है, एडमिशन का मतलब इन पेशेंट हो रहा है, इन पेशेंट है तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, 291 हम कब कोड करते हैं आउट पेशेंट के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो हमारे ए और सी हमने एलिमिनेट कर दिया ऐसे ही डायरेक्ट बिना देखे बुक में, केवल क्या कंसेप्ट से कि आउट पेशेंट है या इन पेशेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्रिटिकल केयर सर्विसेज के दौरान ही इंट्यूबेशन हो रहा है, इंट्यूबेशन का कोड है 31500, तो वो तो ऑलरेडी बंडल है तो उसको हम सेपरेटली कोड नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग क्रिटिकल केयर सर्विस ये सर्विसेज इंक्लूडेड होती है, ड्यूरिंग क्रिटिकल केयर से पहले करते तो हम इनको सेपरेटली कोड करते, बट ये तो ऑलरेडी बंडल है तो हमारा इसलिए ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, तो अब राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ये ध्यान रखना लाइक इसी टॉपिक में से आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में गाइस इतना ही, अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट मॉडिफायर्स, लाइक वी विल डिस्कस अबाउट 59 मॉडिफायर एंड 22 मॉडिफायर एंड अदर मॉडिफायर ऑल्सो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।